चलिए नया सेशन स्टार्ट करते हैं। आज एक और नए बच्चे के साथ, नाम है नरूल, जिनकी ऑल इंडिया 288 रैंक है और इनको एनआईटी इलाहाबाद अलॉट हुआ है। और नरूल जो है वो बिहार के एक छोटे से कस्बे से हैं। और सबसे खास बात यह है कि नरूल, आपने ये बहुत अच्छी रैंक अचीव की, बहुत ही ऑड कंडीशन में, तो पहले तो इस अच्छी रैंक और अच्छे कॉलेज के लिए आपको ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर। नरूल, मैं ये चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता आपने बहुत ऑड कंडीशन में अपनी पढ़ाई की है, घर की कंडीशन अच्छी नहीं होने के बाद भी आपने, ये नरूल जो मेरा स्टूडेंट है इसने भोपाल आके पढ़ाई की है, तो मैं नरूल चाहूंगा कि आप अपनी जो स्टोरी है लाइफ की, सक्सेस स्टोरी, जो आपने लाइफ में सोचा था 11 12 के समय, जो आपका एक सपना था आईआईटी का, वो आप उस समय पूरा नहीं कर पाए थे, फिर ग्रेजुएशन के बाद आपने एक तरह से सोचा कि बीसीए करके मैं एनआईटी में जाऊं कि ये सपना पूरा हो सके, परिस्थिति बहुत अनुकूल नहीं थी आपके, फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी, तो ये जो आपकी लाइफ की सक्सेस स्टोरी है, मैं चाहूंगा कि आप इसको डिटेल में बताएं। यस सर, मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं 11 12 में था तब मुझे पता चला था कि एनआईटी आईआईटी से इंजीनियरिंग होता है, और शुरू से मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था। तो वहाँ 12th में तो मैंने बोर्ड लेवल तक पढ़ाई की, जेई मेंस का एग्जाम भी दिए थे, तो हो नहीं पाया जेई मेंस का। फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिए बीसीए में। बीसीए में एडमिशन लेने के बाद मुझे लगा कि आगे तो एनआईटी में कुछ करना है, तो नेट पर सर्च किए, यूट्यूब पर सर्च किए, तो उसमें सर्च किए कि व्हाट टू डू आफ्टर बीसीए, तो उसमें आया कि एमसीए थ्रू निमसेट इज अ गुड ऑप्शन। तो उसमें आपका वीडियो था, उस समय आप ब्लैक व्हाइट बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में शक पढ़ाते थे, तो वो मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा कि इसके आगे पढ़ने में करियर बहुत बढ़िया है, तो क्यों ना इसे चूज करें। तो इस तरह से उस समय कंडीशन तो ऐसी थी कि आपका पेन ड्राइव कोर्स भी चलता था, लेकिन पेन ड्राइव कोर्स लेने के पैसे थे ही नहीं, तो ये सोचते सोचते एक साल बीत गया। एक साल के बाद मैंने सोचा कि ये पेन ड्राइव लेते हैं, किसी तरह से ले ही लेना है, तो पेन ड्राइव तो ले लिए हैं। लेने के बाद जो पैसे से पेन ड्राइव लिया तो वो पैसा भी कर्ज लेकर के लिया, तो उस पैसे को चुकाने के लिए हम बीपीसीएल ज्वाइन कर लिए थे। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम गैस में वहाँ नौकरी करते थे, तो वहाँ सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक तो ड्यूटी करते थे। रात में आते थे तो वीडियो, एक एक वीडियो देख लेते थे। उस समय समझते थे कि एक वीडियो दो वीडियो देख लिया है तो बहुत अच्छा है, ऐसी चलता रहेगा तो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मेरा वीडियो जो देख रहे थे ना, मन नहीं करने लगा वीडियो देखने का। आते हैं थक करके, नींद आ जाता है, फिर सो जाते हैं। इसी तरह से फिर सोचे क्यों ना क्लासरूम को ऐसे ज्वाइन करें, तो वो जो पैसा जमा जो हुआ था बीपीसीएल में काम करके, तो उसके उसी को लेकर के हम चले गए क्लासरूम कोर्स ज्वाइन करने के लिए। अब वहां आ गए और हम अपने एक भाई को बहुत ही थैंक यू कहना चाहूंगा, बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियल कंडीशन से, कि वहां रहने का खाने खर्च उनका ही था, तो वो बोले ठीक है जाओ देते हैं। तो वहां गए हम, आपका क्लासरूम कोर्स ज्वाइन किए, क्लासरूम कोर्स सही चल रहा था एकदम बढ़िया। फिर वहां जो एक चीज वहां बहुत अच्छी हुई कि वो जो आदत लग गई ना बैठ के पढ़ने की सेशन में, वो बहुत काम किया समझिए। तो पहले तो इतना आदत, 2 घंटा मुश्किल से 2 घंटा पढ़ते थे बैठ करके, और वो जो आदत लगी तो बहुत अच्छा हुआ, पढ़ने का आदत लग गई, तो पढ़ रहे तो ठीक है, एकदम कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था कि अब तो एनआईटी सल निकाल ही लेंगे, निकल जाएगा एकदम पक्का। फिर तो हो गया लॉकडाउन, हो गया लॉकडाउन, हो गया तो वहां रहे, तो लॉकडाउन में क्या हो गया कि सब लड़के लोग घर पर ही पढ़ रहे थे, हॉस्टल के जितना लड़का था वो कुछ परमिशन बना करके चला गया था, तो हम सब भी सोच रहे थे कि परमिशन बना करके जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ रहेंगे कब खुलेगा नहीं खुलेगा, डेट पे डेट एक्सटेंड होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो परमिशन बनाने गए तो वहाँ एसडीएम कह दिया कि परमिशन अब बंद हो गया, होम मिनिस्टर से ऑर्डर आया है नहीं मिलेगा परमिशन, तो फिर परेशान, फिर 10 दिन ऐसी रहे, फिर कलेक्टर के पास गए, हुआ क्या वहां से कंडीशन, वहां से सिचुएशन ऐसा बिगड़ना चालू हुआ सर कि ऐसा सिचुएशन बिगड़ा कि कलेक्टर के पास से आए 5-6 दिन हुआ और मुझे जो चेस्ट पेन और ब्रीथिंग डिफिकल्टी होने लगा। अब सबको शक हो गया कि कोरोना तो नहीं हो गया है। अब उसी कंडीशन में घर भी जाना था, पैसे भी नहीं है, जो पैसे बचा के हैं, अगर रूम ऑनर भी आ गया कि रेंट लेने के लिए कि भाड़ा दो, नहीं तो हम तुमको रूम से निकाल देंगे। हाँ, इस कंडीशन में आप सब सोच पड़ गया, अगर इसको रेंट दे देते हैं तो घर नहीं पहुंच पाते हैं, और घर नहीं पहुंच पाएंगे और अभी परमिशन भी नहीं बना, तो उसी दिन शाम में कोशिश करके परमिशन बना लिए, बना के घर आ गया। घर आए तो
गांव में जैसे ही पहुंचे उस समय बहुत हल्ला हो रहा था, इधर तो कुछ केसेस थे नहीं लेकिन फिर भी सब सुन रहा था जैसा। तो घर आए तो घर में हम सुबह 2 बजे के करीब रात में पहुंचे थे, घर में हम सो गए। फिर सुबह गांव में आ गया, मेरे गेट के पास बहुत आदमी आ गए, गांव के हेड जो थे कि तुम बाहर से आया है तो घर कैसे एंट्री ले लिया, तुम चलो तुमको क्वारंटीन करेंगे। अब वो सोचे क्वारंटीन, तो बोले ठीक है क्वारंटीन तो करते हैं। तो हम क्या क्वारंटीन होने के जितना था वहां से बुक्स तो लाए थे ना, बुक्स छोड़ दिए थे गोलू भैया के रूम में, जितना सीट था और कॉपी जो इम्पोर्टेंट था वो लेकर के आए, बस सीट और कॉपी लेकर के क्वारंटीन सेंटर चले गए। अब जितना टाइम मिलता था उस समय क्वारंटीन सेंटर, नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता था तो जब नेटवर्क प्रॉब्लम सही होता था तो वीडियो भी देखते थे और उसी समय पढ़ाई भी करते थे। तो इस तरह से एक बार हुआ कि क्वारंटीन ही थे और टेस्ट था संडे का, हम सोचे कि नेटवर्क है ना, हम क्या करते हैं मोबाइल ही था, मोबाइल में टेस्ट ओपन करके गेसिंग कर देते, बोले आज यही ट्राई करते हैं, पूरा गेस कर दिए, 90 क्वेश्चन बनाए और उसमें 45 राइट हुआ, 46 रॉन्ग हो गया। अब प्रतीक सर सुबह क्लास लेते थे 8 बजे, वो गर्म हो गया कि दुरुल तुम ऐसा काहे कर रहा है, तुम्हारा तो इतना बिगड़ गया है घर जाने के बाद, मतलब पढ़ ही नहीं रहा है तुम। अब हम सोचे कि सर को कौन बताऊं क्वारंटीन सेंटर में। उसके बाद फिर वहां से आए घर में, ठीक है। उसके बाद फिर समस्या क्या हुआ कि मेरी मम्मी का ऑपरेशन का टाइम आ गया, फिर हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा, फिर 10 दिन हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी हम सीट को लेते गए कि टाइम मिलेगा तब पढ़ेंगे। इस तरह से मतलब कि पूरा सिचुएशन ऐसा ही चलता रहा, बस दिमाग में ही रखें कि करना है किसी सूरत में तो करना है और कुछ नहीं करना है, बस दिमाग में ही रहता कि अगर अभी बुरा वक्त आ रहा है तो जरूर कुछ अच्छा आगे होगा, जरूर कुछ अच्छा होता तो अभी बुरा वक्त आता है, वक्त तो गुजर ही जाता है। तो इसी तरह से जब एग्जाम मतलब कंडीशन, जब अक्टूबर को एग्जाम डेट आ गया, एग्जाम देने चले गए, एग्जाम दे करके आए तो एग्जाम पेपर तो इतना इजी था, इतना इजी पेपर था कि सोच मतलब कि हर क्वेश्चन बनने लग था। तो हम किया क्या, उसमें से 39 क्वेश्चन बनाए मैथ का, और रीजनिंग बनाए 24, और कंप्यूटर बनाए थे 8 क्वेश्चन। और उसके बाद आने के बाद पता चला लड़के लोग से कि कोई लड़का 45 क्वेश्चन बनाए हुए है, कोई 47 क्वेश्चन बनाया है। अब तो मेरा हालत खराब की, इतना इतना क्वेश्चन बनाया तो मेरा तो हो गया रिजल्ट खराब। एक लड़का वही फोन किया कि हम 45 मैथ बनाए भाई और 16-17 रीजनिंग बनाए हैं। हम बोले अच्छा है, हमको तो अंदर से पूरा रोना आ रहा था, घर में फोन करके बता दिए कि रिजल्ट बिगड़ गया, सही रिजल्ट आने वाला नहीं है। अब घर में जो है ना मेरे फैमिली का इतना सपोर्ट है ना, फैमिली और पेरेंट्स मेरे मतलब शुरू से बहुत ही सपोर्ट करके रहे कि मेरा बेटा जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, इसी के ऊपर छोड़ देते हैं। तो घर में फोन किया तो बोले कि कोई बात नहीं, रिजल्ट बिगड़ गया तो अगले साल दे देना। लेकिन हम तो सोचे कंडीशन ऐसा खराब है कि ऊपर से कर्जा है, अब अगले साल भी बोले पैसा कहाँ से आएगा। फिर देखे कि रिजल्ट जब आया, जिस दिन रैंक कार्ड आया तो उस दिन हम देखे ही नहीं, सो गए थे पहली। अब हमको पता चला दूसरे दिन सुबह में कि रैंक आया था, उसके बाद रैंक हम चेक किए तो 288, फिर रैंक तो चलो ठीक है बढ़िया है। उसके बाद फिर उसी टाइम फोन किए थे वही लड़का से जो बोला था कि हम बनाए 45 मैथ बनाए और रीजनिंग बनाए 16-17, उसको फोन किए तो बेचारा बताया ही नहीं कुछ। हम बोले चलो ठीक है, वो तो पता चल ही जाता है किसका क्या होता है। उसके बाद वही चलता रहा, सबका देखे रैंक, फिर तो ग्रुप में सबका रैंक आ रहा था, पता चलते गया चलते गया। लास्ट में उस लड़का पता चला जो बोला था कि हम 45 बनाए, उसका बिगड़ गया है, उसका पेपर एंड सही गया है। तब उस वक्त एक चीज ध्यान आया कि एक्यूरेसी जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही, कि अगर क्वेश्चन बनाते हैं तो ये नहीं कि 50-50 बना दिया, एक्यूरेसी नहीं तो बहुत ज्यादा बिगड़ जाता है। इसीलिए उस समय से हम जो है ये समझ गए कि एक्यूरेसी बहुत ही मेंटेन करना जरूरी है। अगर इसीलिए जो भी मेरे सुनेंगे जूनियर्स या और कोई, उसे यही कहूंगा कि अगर क्रैक करना है तो बस ये करना कि सर जो बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इस बार देखिए एकदम इजी था, पिछले पेपर का भी कुछ होता टफ नहीं, तो सीट जो आप दिए थे सर तो हमें लगा ही नहीं कि कुछ क्वेश्चन बाहर से था, टोटल क्वेश्चन सीट का ही था और सीट ही हम सॉल्व किए थे, बुक सॉल्व किए थे ना, बुक लिए भी थे, आरडी ऑब्जेक्टिव तो गोलू भैया का रूम में हम छोड़ दिए थे, क्योंकि एक भी सेल्फ स्कोर लिए थे तो आप तो जानते हैं कि पूरा सामान ट्रेन पर से हो गया था, हेरा गया था मेरा पूरा सामान, गुम हो गया। तो सीट जो बना हुआ था तो हर क्वेश्चन मतलब सीट लेवल का ही, तो सीट अगर कोई अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले तो आराम से जो है एनआईटी निकाल सकता है, ये एमसीए वाला नीम सेट वाले एकदम क्रैक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो 50 नंबर, जैसे हम उसके बाद 45 मैथ बनाया तो टॉपर था, तो बेचारा का एकदम कोई एनआईटी भी नहीं मिला, समझिए तो ऐसा हो गया। देखो नसरुल, इसलिए हुआ ये, मैंने पूरी आपकी स्टोरी सुनी, बहुत अच्छा लगा। कई चीजें तो मैं जब ये सेशन लेता हूँ ना, मुझे बच्चों से जब पता चलता है, जैसे मैंने अभी आपका सेशन लिया, मुझे याद है आपने पेनड्राइव कोर्स मंगवाया था, उसके बाद आप जॉब भी कर रहे थे, पर जॉब करने के साथ पेनड्राइव कोर्स से पढ़ना कोई आसान काम नहीं था। आपने पैसे इकट्ठे किए, भोपाल आए, आपके भाई ने सपोर्ट किया, ऐसी कई चीजें मुझे बाद में पता चलती है, तो ये मुझे बड़ी खुशी अंदर से होती कि देखो आपने कंडीशंस इतनी टफ थी पर छोड़ा नहीं। दूसरा, आपने ये बिल्कुल ये क्वारंटाइन के समय पे भी, ये कोविड के बाद भी घर पहुंचे, आपको क्वारंटाइन भी किया गया, घर की कंडीशन खराब थी, सब करने के बाद भी मन में एक जज्बा था कि नहीं मुझे करना है। दूसरा एक चीज आपको याद होगी, मैं बोलता हूँ इजी पेपर था, खाली रोड पे सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, वही हुआ। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि अटेम इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट अटेम इंपॉर्टेंट है, और उस चीज का देखो आपको फायदा मिला। और मैंने जब रिजल्ट आने, कई बच्चे घबरा गए थे, मैंने कहा घबराओ मत, जो ज्यादा अटेम करा हो सकता है उसके गलत ज्यादा हो गए, और यही होता है। जो लोग सेशन सुन रहे हैं, मैं बोलूंगा कि आप नरुल को बहुत ध्यान से समझिए, इसके घर की कंडीशंस काफी टफ थी, ये तो बाद में जब भोपाल आया जब पता चला, पर इसने एक तो पहले तो उस कंडीशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, ये सबसे खास बात थी कि जॉब भी किया, फिर भोपाल पैसा जोड़ के भोपाल भी आए, क्योंकि आपको पता था वहां रहते हुए ये कर नहीं पाते, क्योंकि ये सब मैनेज होता नहीं। जैसे पता चल गया कि घर एक तो देखिए घर छोटा है, जगह कम है, ऊपर से डिस्टर्बेंस हमेशा शोर होते रहता है, साइलेंट तो होगा नहीं, घर में कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, इसलिए घर में, मेरे घर में खास के मैं बता रहा हूँ कि एकदम रह करके कंटिन्यूअसली मुश्किल हो जाता है, वो मैंने मतलब वो भी फेस कर रहे हैं कि बस यही दिमाग में था कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन करना है तो करना है। बिल्कुल सही बात है। तो वो देखो टफ पेपर था, पेपर इजी था, पर आपने एक्यूरेसी मेंटेन रखी, उसी का नतीजा है कि आज इतनी अच्छी रैंक आई, आज इतना अच्छा कॉलेज मिला। और वही अगर कोई, कई बच्चों ने सिंपल देख के तुक्के लगा दिए या गैसिंग कर दी और उसका नुकसान हुआ उनको। जी हाँ ऐसे बहुत लोगों ने किए हैं। सिंपल पेपर में हम जानते, मेरे साथ गए, पेपर इजी देखा, निकलने के बाद तो बहुत खुश थे, लेकिन और मेरा कंडीशन था निकलने के बाद हम दुखी थे। वही मैं कह रहा हूँ कि ये क्या होता है, रिजल्ट आने पे कई चीजें हमारी चेंज हो जाती है, हम जो सोचते हैं साइकोलॉजिकली या माइंडसेट होता है वैसा नहीं होता। तो नारुल आपकी स्टोरी काफी अलग है, काफी विषम कंडीशन में है, और मैं उन सभी बच्चों को ये बोलना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो गलत सोचते हैं। फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी सक्सेस के लिए आड़े नहीं आती। बिल्कुल बोलो आप। ये फाइनेंशियल कंडीशन कोई मैटर नहीं करती, अगर कोई लड़का पढ़ना चाहता है तो वो किसी तरह से उसका उपाय हो जाता है पढ़ने का, मतलब किसी भी कंडीशन में किसी तरीके से हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल कंडीशन ही मैटर नहीं करती कि आपको रोक दे एनआईटी में जाने के या फिर आईआईटी में जाने के लिए। मेरे ही देख लीजिए, मेरी फाइनल कंडीशन अभी तक ठीक नहीं है, लेकिन मैंने भी ये सोचा कि अगर ऐसा ही रहा तो आगे तक भी ऐसा ही रहेगा, इसीलिए किसी भी सूरत से अगर एक सक्सेस हो जाता है तो आगे सब सक्सेस फिर सही हो जाएगा, क्योंकि फिर दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है नारुल, जो आपने वर्ड बोला, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि घर में किसी एक को तो ये स्टेप लेनी है। आपके घर की जो परिस्थिति थी, अगर आप कुछ अच्छा नहीं करोगे तो ये बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी, और एक स्टेप आपने अच्छी ली, आज भले ही चलो थोड़ा टफ है, पर आने वाले कुछ सालों में जब आपकी अच्छी जॉब लगेगी, आप आगे बढ़ोगे, आपके फैमिली के मेंबर्स, आपके सराउंडिंग सब चेंज होगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि कंडीशंस कहीं ना कहीं बदल जाएंगी पूरी। जी हाँ सर। अच्छा, आप बिहार के बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बिहार और इंडिया के सारे को ही, मतलब अकेला बिहार नहीं, सभी को यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ सोचे हैं कुछ अच्छा करने का बड़ा, तो मेहनत जरूरी है, मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है, जब बिना मेहनत किए नहीं होगा। अभी देख लीजिए कि कुछ बच्चे, जैसे यहाँ की बता दूं कि पड़े रहते हैं गेम खेलने में, मैं सच बात बता रहा हूँ कि एक पबजी है और एक फ्री फायर है, इसमें ही मतलब खेलने में, तो मैं उसे बता दूं कि अगर तुम मेहनत करके पढ़ते हो तो फ्री फायर खेलना क्या, तुम उसे कई सारे गेम बना सकते। बिल्कुल सही। इसीलिए मेहनत, अगर कुछ कुछ करना, कुछ बड़ा करना है तो फिर मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कोई उपाय नहीं। बिल्कुल सही बात है नालू, एकदम सही बात बोली आपने, और आपसे बात करके मुझे बड़ा मजा आया। मैं जब भी अभी जितने इंटरव्यू लेता जा रहा हूँ, तो हर इंटरव्यू में मुझे हर बच्चे के बारे में कई सारी नई चीजें पता चलती है, क्योंकि ड्यूरिंग स्टडी तो हमारा इंटरेक्शन इस सब डायरेक्शन में नहीं होता,
पर आफ्टर जब सिलेक्शन होता है और जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ, ये नई चीजें पता चलती है, तो मैं खुद भी मोटिवेट होता हूँ कि जो मैं वर्ड सोचता हूँ, जैसे मैंने भी बहुत आउट कंडीशन में अपनी पढ़ाई की है, और जब कोई ऐसा करता है तो मैं ये मानता हूं कि जीवन में कंडीशंस को आप अपने ऊपर हावी मत होने दो, उससे ऊपर निकलो। सबसे पहले मुझे जो खुशी हुई, आपने बोला पेनड्राइव ली और उसके बाद जॉब भी किया, जॉब करके पैसे जोड़े, अपने कजिन की मतलब अपने ब्रदर की आपने हेल्प ली, भोपाल आए, वो हेल्प के वजह से आपने सब करा, पर आपने हिम्मत नहीं हारी, जाने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ाती। आज आपने इस परिस्थिति में जो रैंक लाई है ना, अब जीवन में आप देखना कोई भी टफ से टफ कंडीशन आएगी ना, आपको कभी डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इस कंडीशन में एक अचीवमेंट लिया है। याद यही आता है कि अगर इतनी खराब कंडीशन अगर इतना अच्छा हो सकता है तो आगे तो फिर उतनी खराब कंडीशन आएगी नहीं, वो ऐसी सिचुएशन भी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है, हैंडल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है नारुल, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑल द बेस्ट, अब आगे भी ऐसे ही बढ़ो। और आपने इन परिस्थितियों को फेस किया तो मैं बोलूंगा आप अपने साथ वाले अपने जूनियर्स इनको भी मोटिवेट करो और जीवन में खूब आगे बढ़ो, तरक्की करो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं तो गाइडेंस मत चाहता कि अगर कुछ लोग मतलब जितने गाइडेंस मैं दूं, क्योंकि मुझे किसी को बताने में और रास्ते दिखाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किसी को बताना है कि क्या करना है, कि क्या होगा, इससे क्या प्रॉफिट है, वो मुझे मतलब बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मैं किसी को कुछ हेल्प कर सक रहा हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी है सबको मैं यही सलाह दूंगा कि मेहनत करें, लेकिन एक बात तो कहूंगा कि बिना मेहनत का कोई उपाय नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता। और ये बहुत अच्छी सोच है आपके अंदर कि आप चाहते हो कि आप लोगों की मदद करें, और ये सोच हमेशा बनी रहना चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि ये सोच कहीं ना कहीं हमें भी पॉजिटिव करती है और हमारे सराउंडिंग एरिया को भी पॉजिटिव करती है। जी हाँ सर, बिल्कुल। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर।